डेढ़ भी नजर भी ऊपर हो गया, दा दम पड़े हैं कि तू यो नहीं देवर तो तोवे फायदा था, इधर तो दूना बैठा बैठा दिया। ये कानून उठे नहीं ले लेवेगा नहीं, इतने धंधे को नहीं, बिल्कुल मर जाओगे उतने धंधे को नहीं। अगर हल निकालना है तो ऐसे ही हल निकलता है, डेमोक्रेसी है, हल कोई चैम्बर में बैठ के नहीं निकाला जाता है, मेरा तो ये मानना है। सत श्री अकाल जी, किंग्स मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल लोहड़ी का त्यौहार सी, ते सारे किसानों ने लोहड़ी के त्यौहार के अग दे विच जिहड़े वो तीन बिल ने साड़ के इस चीज़ का विरोध किया गया सी। ते कल नरेंद्र मोदी ने जिहड़े लोहड़ी के त्यौहार दीआं वधाइयां दित्तियां सी, ते नाल दे नाल उन्होंने जिहड़ी फसल बीमा योजना सी जिसनों के 5 साल हो गए उहदीआं वी वधाइयां दित्तियां, अते उन्होंने कहा कि इस दे अंतर्गत जिहड़े 29 करोड़ ने किसान ने उन्हां नूं फायदा होया। असीं इस समय किसान अंदोलन मौजूद हाँ जिथे कि मतलब किसान ही मौजूद ने, आओ ग्राउंड दे विच आ के असी किसानां नाल ही गलबात करके पुछदे हां कि उन्हां नूं इस चीज़ का किन्ना कु फायदा होया। सत श्री अकाल बाबा जी। बाबा जी, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मतलब इसके अंतर्गत जो किसान बीमा योजना है उसके अंतर्गत 29 करोड़ है जो किसानों को इसका लाभ हुआ है, क्या लगता है हुआ है लाभ? ना, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, ये जो खोर दिया जो सा लाभ और नहीं, उस पर भी पानी फेर दिया जी, तो बहुत तंग कर दिए लोग, डेढ़ भी नजर भी ऊपर हो गया, दा दम पड़े हैं कि तू यो नहीं देवर तो तोवे फायदा था, इधर तो दूना बैठा बैठा दिया हरियाणा पंजाब का जो तकड़ा बता। बाबा जी, आप हरियाणा से हो, मतलब कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? हम दादे पड़दादे करते आने लग रहे, हम ही करने लग रहे, हमारे बालक करेंगे, ये खोसण की तैयारी कर रहा ही हो, हम ही को नहीं होने दिया, हम मजबूत आदमी हाँ। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। आगे चलते हैं जी, आपको ले ले भाई, आपको कैसा लग रहा है बाबा जी? हमें तो तीनों ये कानून उठे नहीं ले लेवेगा नहीं, इतने धंधे को नहीं, बिल्कुल मर जाओगे उतने धंधे को नहीं। बाबा जी, उन्होंने कहा है कि मतलब 29 करोड़ लोगों को, हाँ ना ना कुछ नहीं फायदा होया, सब नुकसान कराया है, तिमर है नुकसान कराया है हमारे साढ़े नाल इतने होर भी मतलब अलग राज तो इतने जड़े जुड़े हुए ने किसान। सत श्री अकाल जी। नमस्ते, मैं किसान तो नहीं हूँ, मैं यंगस्टर हूँ, लेकिन मैं इन मुद्दों पे बात करता रहता हूँ, है ना। तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं, और नंबर्स देखो, गवर्नमेंट जो है वो नंबर्स देती है, नंबर्स से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर हल निकालना है तो ऐसे ही हल निकलता है, डेमोक्रेसी है, हल कोई चैम्बर में बैठ के नहीं निकाला जाता है, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से हो? जी, मैं छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे किसान आए होंगे, क्या वो भी इस जो 3 कानून है उनका विरोध कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ से भी किसान अपनी तरीके से विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ किसान आए हुए हैं, मिला उनसे, और वहाँ पे भी रह करके अपना विरोध कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सब अपनी अपनी तरीके से बात रख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, सबकी व्यवस्था है, यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, और आप आइए यहाँ पर, समझिए मुद्दों को, ग्राउंड पर रह के आप जो अन्न खाते हैं वो किसान ही उगाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े नाल इतने पंजाबी जिहड़े किसान ने वो भी मौजूद ने, आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल वीर जी। भाजी, हुण मतलब जिहड़े कि पहला 3 कानून बिल सीगे, ये तो मतलब जिहड़े पंजाब दे लोकां ने जिहड़े किसानां ने बिल्कुल रद्द कर दिते कि असीं नहीं लागू होण दवांगे, इहदे विच जिहड़ी 5 सालां दी किसान बीमा योजना दी मतलब जिहड़े नरेंद्र मोदी ने कहा वी 29 करोड़ किसानां नूं फायदा होया, की लगदा कि असल दे विच पंजाब दे विच होया इस चीज़ का फायदा? भाजी, मैं तो गल करनी चाहुंदा इस बारे, जे 29 हज़ार करोड़ की गल की, 29 करोड़ लोगों की, इतने देख लो किन्ने लख बंदा आए आना, पुछ के देख लो किसी को भी कि एक भी फायदा होया, किसी को भाजी कोई फायदा नहीं होया, ये जुमलेबाजियां मारते अंदर बैठ के, तुम इतने किसी को, साढ़े बजुर्ग बैठे आडे तो सियाने आ जे हरियाणे के वीर वा, इन्हों पुछ के देख लो कि 29 करोड़ उन्होंने चो एक भी सानू दिखाल दौ किनू फायदा होया हो, किसी नहीं फायदा हो। जिमें कि तुम किसानों तो जान ही लिया, किसी भी मतलब जोड़े किसान ने चाहे छत्तीसगढ़ के, हरियाणा, पंजाब या अलग अलग राज्यों के, किसी भी किसानों का सीधा सीधा विरोध है कि उन्होंने इस नीति का जोड़ा वो फायदा नहीं होया। होर भी अपडेट जानने साढ़े चैनल जुड़े रहो, किंग्स मीडिया पंजाबी।